वायरस को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने चीन को झटका दिया है। अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों और अन्य संस्थानों को इकोनॉमिक ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कहा कि मानवाधिकार उल्लंघन और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर 33 चीनी कंपनियों और अन्य संस्थानों को ब्लैकलिस्ट में डाला जा रहा है। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक चीन में वीगर मुस्लिमों के हाईटेक सर्विलांस, जबरन काम कराने और मनमाने तरीके से लोगों को हिरासत में रखने और मानवाधिकार के उल्लंघन में भागीदार होने की वजह से 9 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि 7 व्यापारिक संस्थान चीन को हाईटेक सर्विलांस लागू करने में मदद कर रहे हैं। वहीं चीन की 24 सरकारी और व्यापारिक संस्थाओं को इसलिए ब्लैकलिस्ट में किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने चीनी मिलिट्री के मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े हथियार हासिल करने और अन्य एक्टिविटी में मदद की है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छिपाई और इसकी वजह से दुनिया में कोरोना महामारी फैली। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।